कलाम चौधरी साहब। खान, तू? हाँ मैं तो पहले से ही जानता था कि तुम्हारे साथ कोई फसाना जरूर बनेगा। ठाकुर को अस्पताल में मैंने मरवाया। क्या तूने खून करवाया ठाकुर का? हाँ, तुम्हें बड़ा फक्र था ना अपने कानून पर। अब उसी कानून से बाबा खान तुम्हारी सही पहचान कराएगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कानून का हर मोहरा मेरे इशारों पर चलता है। कोर्ट में सिर्फ इतना ही साबित नहीं होगा कि ठाकुर का खून तुमने किया, बल्कि तुम सरफिरे और पागल हो यह भी साबित हो जाएगा। बाबा खान, तुम्हारे इसी गर्म खून ने तुम्हें तबाह कर दिया चौधरी। मैं चाहता तो तुम्हारे बड़े बेटे की तरह तुम्हें भी, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं, लंगड़े घोड़े की तरह बिठा देना चाहता हूं। मेरे बेटे का खूनी तू है? तूने मेरे बेटे को मारा? हाँ, मेरे कहने पर मन्ना शेट्टी ने गाड़ी के नीचे कुचला था उसे। मैंने मरवाया था उसे भी। तुम्हारी तरह सच्चाई के फंदे में गर्दन देने का बड़ा शौक था। एक झूठी रिपोर्ट तैयार करनी थी, इनकार कर दिया उसने। हरामजादे, तूने मेरी जिंदगी, मेरा कैरियर सब तबाह कर दिया। मैं तुझे चौधरी, तुम्हारी सेहत तुम्हें गुस्सा करने की इजाजत नहीं देती। इंजेक्शन दे दो इसे, इन्हें आराम की जरूरत है। और कल तुम्हें कोर्ट में भी तो जाना है। तेरा अंत आ गया है खान। कानून के कुछ लोग खरीद लेने से तू कानून की सच्चाई को नहीं मार सकता। कानून की छत के नीचे सच्चाई का एक कोना हमेशा महफूज रहता है। तेरी जीत की खुशी बहुत दिन तक नहीं टिकेगी खान। तू सुन रहा है ना खान? सुन रहा है ना खान? पिछले 25 सालों से निहायत ईमानदारी से मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूं योर ऑनर। मैंने अपने फर्ज की खातिर कभी अपनी जान तक की परवाह नहीं की। बीसियों बार अपनी जान को जोखों में डालकर मैंने खतरों का सामना किया है। ये देखिए योर ऑनर, देखिए ये गोलियों के निशान उस बात का सबूत है। मिलोर, देखना यह नहीं है कि मिस्टर चौधरी ने अपने 25 सालों के करियर में अपने डिपार्टमेंट के लिए क्या अच्छा किया है। माना कि इन्होंने कुछ सराहनीय काम किए हैं, अपनी वीरता और साहस की कुछ मिसालें भी पेश की हैं, लेकिन ये उस दौर की बातें हैं जब इनकी दिमागी हालत बिल्कुल दुरुस्त थी। मगर अफसोस, पिछले कुछ सालों से जब से इनका बड़ा बेटा एक हादसे में मारा गया, इनका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। ये झूठ है, गलत है, मेरे डैडी को फंसाया जा रहा है। आप बैठ जाइए प्लीज, अदालत की कार्रवाई में दखल मत दीजिए। लेकिन मिलोर, एक तरह से मिस्टर चौधरी के हाथों सिर्फ एक इंस्पेक्टर की मौत हो जाने से पुलिस डिपार्टमेंट एक बड़े कलंक, बड़े नुकसान से बच गया, वरना इससे बड़ा भी कोई हादसा हो सकता था। मैं कहता हूं ठाकुर मेरे हाथों से नहीं मरा योर ऑनर। मैं अदालत को कुछ और भी बातें बताना चाहता हूं। मगर मिलोर, पहले भी मिस्टर चौधरी से छोटी मोटी हरकतें होती आई हैं जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पिछले दिनों बिना किसी ठोस प्लानिंग के अपने 20 जवानों को लेकर मिस्टर चौधरी एक पब्लिक प्लेस पर खतरनाक अपराधियों से भिड़ गए। और इस ऑपरेशन के बारे में इन्होंने कमिश्नर मिस्टर देसाई से भी सलाह मशवरा करना ठीक नहीं समझा। यही नहीं मिलोर, उस भीड़ भरे इलाके में इन्होंने गोली भी चलाई जिससे आम पब्लिक में से दो लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई जिनका इलाज चल रहा है। और तो और, इस हादसे में नौजवान कांस्टेबल खान को भी अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। इनके जुलून की इंतहा तो तब हुई मिलोर्ड, जब इन्होंने एक और सब इंस्पेक्टर ठाकुर को पीट पीट कर मार डाला। जब ये ठाकुर को पीट रहे थे तो इंस्पेक्टर शर्मा वहां मौजूद थे। मैं उन्हें बतौर गवाह बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है इंस्पेक्टर शर्मा, जिस वक्त मिस्टर चौधरी ठाकुर को बेरहमी से पीट रहे थे आप मौजूद थे वहां? जी हां, मैं मौजूद था, लेकिन ठाकुर को इतना नहीं पीटा गया जिससे उसकी मौत हो जाए। मुझे तो ठाकुर की मौत की कोई और वजह लगती है। आप
आपको लगता क्या है ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, आपने देखा क्या है वो बताइए। समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? हां तो ठाकुर को जब इस हद तक नहीं पीटा गया था तो फिर उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी? ये तो आप मानते हैं ना कि उसकी हालत देखकर आपको भी लगा कि उसे अस्पताल ले जाना चाहिए। मैंने अदालत के सामने सारे हालात रख दिए हैं और मिस्टर चौधरी की मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट भी पेश कर दी है जिसे डॉक्टर ठक्कर ने तैयार किया है, जिसके अंदर बस बहुत हो गया, ये नाटक बंद करो, ये सब बंद करो। मिलोर, ये रिपोर्ट झूठी है, ये डॉक्टर ठक्कर भी झूठा है, बिका हुआ है, ये सब बिके हुए हैं। मुझे उस अस्पताल में लगातार पागल बनाने की कोशिश की गई। एक ही चेहरे को दो तरह से मेरे सामने पेश किया गया। पहले आधी रात को मेरे कमरे में पागल आता है और फिर दूसरे दिन उसी पागल को डॉक्टर खान बनाकर मुझसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। एक औरत अपने बच्चे के लिए खून मांगती है, वो डॉक्टर से झगड़ा करती है और दूसरे दिन वही औरत नर्स बनकर मेरे सामने आती है। ये सब मुझे पागल बनाने के तरीके नहीं, यही है वो औरत। बिलोर, यही है वो औरत, इस बार वकील बनकर आई है। मिलोर, मिस्टर चौधरी की ये हरकत अदालत के लिए सबसे बड़ा सबूत है। ये लॉयर मिसेस गुप्ता को नर्स बताते हैं। हो सकता है ये मुझे किसी मंदिर का पुजारी कह दे और आपको फिल्म एक्टर दिलीप कुमार या धर्मेंद्र। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ये आदमी, अब शायद आप ये कहेंगे कि ये हवलदार वही पागल है जो बाद में डॉक्टर बना। हाँ हाँ, ये वही है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मिलोर, ये सब नाटक है। इस चक्रव्यूह की रचना बाबा खान ने ही की है और मैं उसकी गुंडा ताकत को खत्म करना चाहता था। मैंने सब इंस्पेक्टर ठाकुर पर हाथ इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बाबा खान से मिला हुआ था और हमारे ऑपरेशन के नाकामयाब होने की वजह भी ठाकुर ही था, जिसे बाबा खान ने बाद में अस्पताल में मरवा दिया ताकि वो इल्जाम भी मुझ पर आ जाए। और यही नहीं मिलोर, मेरे बड़े बेटे की मौत के जिम्मेदार भी बाबा खान और शेट्टी है। ये बात मैं अपने परिवार की मौजूदगी में कोर्ट को नहीं बताना चाहता था। अब अदालत भी अगर बाबा खान के षड्यंत्र में शामिल होकर मुझे झूठा मानती है तो मिलोर, क्यों इस हद तक परेशान किया जा रहा है मेरे पति को? उन्होंने क्या कुछ नहीं किया अपने फर्ज के लिए? अपनी जान तक को खतरे में डाला कई बार और आज इन भरी अदालत में इस तरह। मिलोर, अब मैं एक अहम गवाह को पेश करने जा रहा हूं जिन्हें एक जरूरी मीटिंग की वजह से यहां पहुंचने में देर हुई। वो है कमिश्नर मिस्टर देसाई। मिस्टर चौधरी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इस बात का शक आपको कम हुआ? पहले भी कई बार मुझे इनका बिहेवियर कुछ अजीब सा लगा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। जैसे कि इनके बड़े बेटे विकास की मौत के एक हफ्ते बाद ये मुझे किसी फिल्म के प्रीमियर में ले जाना चाहते थे। मैंने सोचा खैर इस हादसे को भुलाने के लिए ये बाहर जाना चाहते होंगे। ये आदमी झूठ बोल रहा है, मेरे डैड को फंसा जा रहा है। ये देसाई, ये बाबा खान से मिला हुआ है, इसकी बात पर यकीन मत करना मिलोर। देखिए, आप अदालत की मर्यादा को निभाइए, जब आपको बुलाकर पूछा जाए तब आप कहिए। हाँ तो बोलिए मिस्टर देसाई। जी हाँ, एक दिन मेरे घर पर मेरी बच्ची को अपनी करियर की कहानी सुनाने लगा, किस किस शहर से कितने सालों में कितनी बार ट्रांसफर हुआ। मिस्टर देसाई, हो सकता है आपकी बच्ची इनसे बहुत ज्यादा हिली मिली हो, इनकी बातों में दिलचस्पी ले रही हो। मिलोर, मेरी बच्ची सिर्फ 2 साल की है, इसके बाद मैंने इन पर नजर रखना शुरू किया, अपने ऑफिसर्स को आगाह भी किया। कमीने! तू चलता मेरे डैडी से, तू भी खाने का कुत्ता है। Yeah.
तमाम सबूत, गवाह और मिस्टर चौधरी की मेडिकल रिपोर्ट से यह साबित हो गया है कि मिस्टर चौधरी का दिमागी तवज्जुम बिगड़ गया है। लिहाजा सरकारी खर्चे पर किसी अच्छे डॉक्टर की देखरेख में उनका इलाज कराया जाए। मिस्टर चौधरी, बाबू दरवाजा खोल दो। हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, सब कहते हैं छूट जाएगा वो। कितना गर्व था ना आपको अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी पर। खूब अंजाम दिया आपने अपने फर्ज को। कितने मेडल, कितने तमगे जुटा लिए आपने। आप अपनी बहादुरी के इनाम लाते रहे और मैं सजाती रही घर को, अपने घर को, उस घर को जो आज मुझे काटने को दौड़ता है। आपके फर्ज ने मेरा सब कुछ तो छीन लिया। कितना सुख मिल रहा है ना मुझे आज आपकी ये हालत देखकर। विशाल को कोर्ट में वो सब नहीं करना चाहिए था रेवती। आपको अब भी विशाल का गुस्सा करना जायज नहीं लगा? भरी अदालत में आपका मजाक बनाया गया। आपका बेटा जो आज आपके बराबर का हो चुका है वो ये सब कुछ तमाशे की तरह देखता रहता। अगर वो वहां देसाई को मार भी डालता तब भी मैं उसे ठीक ही मानती, मैं उसे ठीक ही मानती। रेवती, और कितने इम्तिहान देने होंगे मुझे आपकी पत्नी होने का, और कितना भुगतान करना होगा मुझे। आप सारी जिंदगी जिस कानून की दुहाई देते रहे वही कानून आज तहर बनकर मेरी दुनिया में टूट पड़ा। एक तरफ आपको अपाहिज बनाकर इस अंधेरी दुनिया के कोने में बिठा दिया गया,